दोस्तों वैसे तो महानायक अमिताभ बच्चन ने 200 से भी ज्यादा मूवीज में एज अ लीड एक्टर हीरो की भूमिकाएं निभाई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक वक्त ऐसा भी आया था कि अमिताभ बच्चन ने अपने करियर का रुख एज अ विलन की भूमिकाओं की तरफ मोड़ने का फैसला किया था। और एज अ विलन अमिताभ बच्चन की एक मूवी बड़े पर्दे पर रिलीज भी हुई थी, लेकिन जब पब्लिक ने इस प्रयोग को पूरी तरह से नकार दिया। अब यह किस्सा जानने के लिए आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहे। दोस्तों वैसे तो 2000 की मोहब्बतें द्वारा अमिताभ बच्चन का सेकंड इनिंग कमबैक चालू हुआ था, लेकिन उनकी फिल्में जो थी वो कुछ खास कमाल नहीं कर रही थी। हाँ, कुछ फिल्में जैसे आंखें, कभी खुशी गम आदि सुपरहिट होती रहती थी, लेकिन ज्यादातर फिल्में फ्लॉप हो रही थी। तो अमिताभ बच्चन के दिमाग में ये चल रहा था क्योंकि क्यों ना इस सेकंड इनिंग में अपने करियर का रुख विलन की भूमिकाओं की तरफ क्यों ना मोड़ा जाए। और ये विचार उन्होंने बातचीत में अपने दोस्त डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा को भी ये कह दिया था कि मेरी विलन की भूमिका करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई है। राम गोपाल वर्मा को तो ये स्टोरी लाइन पर फिल्म बनानी थी। उन्होंने तुरंत ही ये आइडिया स्टोरी राइटर सलीम खान को बताया और उन्होंने कहा कि अमिताभ बच्चन की गब्बर सिंह जैसा रोल करने की ख्वाहिश अधूरी रह गई, तो क्यों ना हम मिलकर फिल्म शोले का रिमेक बनाए, तो तुम तुरंत उस पर स्क्रिप्ट लिखो। जब सलीम खान ने स्क्रिप्ट राम गोपाल वर्मा को दिया तो उस पर पूरा इंडस्ट्री अपोजिट होते हुए राम गोपाल वर्मा ने उस पर फिल्म बना डाली और फिल्म का नाम था राम गोपाल वर्मा के शोले, जो नाम आगे बदलकर राम गोपाल वर्मा की आग ऐसा रखा गया था। यह फिल्म 2007 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी। इस मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ साथ अभिनेते मोहनलाल, अजय देवगन, सुशांत सिंह, सुष्मिता सेन, राजपाल यादव, निशा कोठारी, सचिन जैसे स्टारकास्ट थी। जब यह मूवी 2007 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई तो पब्लिक ने जब इस मूवी को देखा तो पब्लिक ने पूरी तरह से इस मूवी को नकार दिया था। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह डिजास्टर हो गई थी। 21 करोड़ की लागत से बनी हुई राम गोपाल वर्मा की शोले ने महज लाइफ टाइम 5 करोड़ का बिजनेस किया था। अमिताभ बच्चन की गब्बर जैसे कैरेक्टर वाली बबन की भूमिका लोगों को बिल्कुल ही पसंद नहीं आई और शोले का रिमेक बना भी पब्लिक को बिल्कुल भी जचा नहीं, इसलिए यह मूवी बुरी तरह से डिजास्टर हो गई। और इस मूवी के डिजास्टर होने के बाद अमिताभ बच्चन के दिमाग में जो विलन के रोल्स करने का भूत सवार था वो भी बिल्कुल निकल गया। तो दोस्तों, क्या आपने राम गोपाल वर्मा की आग या राम गोपाल वर्मा की शोले यह मूवी देखी है? अगर देखिए तो अमिताभ बच्चन का इस मूवी में जो विलन का रोल था वो आपको कैसे लगा और ये मूवी भी कैसी थी, इसकी राय हमें कमेंट में जरूर लिखिए। और ऐसे ही फिल्मी किस्से जानने के लिए हमारा चैनल फिल्मवाला अविनाश को लाइक करके, सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कीजिए। टेक